हेलो एवरीवन, आज हम ब्रोकली सूप बनाएंगे। तो खाने में बेहद ही टेस्टी है और बहुत हेल्दी भी। ये आपकी इम्यूनिटी को तो स्ट्रॉन्ग करेगा ही, साथ में प्रोटीन भी बढ़ाएगा और कैलरीज बिल्कुल ना के बराबर है, और आपको जॉइंट के पेन से भी रिलीफ देगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएँ। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले एक पैन ले रही हूँ और उसमें मैं डालूंगी एक टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं हो तो आप नॉर्मल रिफाइंड ऑयल या देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसमें डाला है गार्लिक, लहसुन भी बोलते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएं, तब हम इसमें डालेंगे स्लाइस्ड अनियन, लंबे लंबे कट कट करे हुए प्याज। प्याज को भी हम हल्का फ्राई कर लेंगे। अब देख सकते हैं प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1.5 ग्लास पानी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेगा क्योंकि इसी पानी को हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने 1.5 ग्लास पानी डाल दिया है इसमें। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैं डालूंगी इसमें हमारा मेन इंग्रेडिएंट ब्रोकली, जिसको मैंने अच्छे से काट लिया है, धो लिया है और फिर मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। जब इसमें एक बॉयल आ जाए तब मैं इसमें डालूंगी नमक। यहाँ पे मैं आधा चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए इसको अच्छे से कुक करेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बॉयल हो गई है। अब मैं इसको नाइफ से कट करके देखूंगी। हमें ब्रोकली को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 70-80% ही पकाना है। अब इस मिक्सचर को मैं एक मिक्सर ग्राइंडर के जार में निकाल लूँगी और गैस को कर दूँगी बंद। अब देख सकते हैं मैंने इसको जार में निकाल दिया है। थोड़ा सावधानी से इसको ग्राइंड करें। अब देख सकते हैं मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छे से। अब बढ़ते हैं कुकिंग प्रोसेस की ओर। मैं वही सेम पैन ले रही हूँ, उसमें मैं डालूंगी 1 क्यूब बटर। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच मैदा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारे सूप में बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा। जब हल्का मैदे का कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच नमक, ध्यान से हमने पहले भी डाला था। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 गिलास दूध, जैसे हम पास्ता की व्हाइट सॉस बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको बनाएं। अब मैं बाकी का बचा हुआ दूध भी डाल दूंगी इसमें। एकदम से सारा दूध ना डालें, इसमें लम्स पड़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें दूध डालें। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब हम इसमें डालेंगे हमारे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। अब मैं इसमें डालूंगी हमने जो प्यूरी बनाई थी ब्रोकली की। मैंने सारी प्यूरी डाल दी इसमें। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके गाढ़े होने तक का वेट करेंगे। 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको गाढ़ा होने में।
आप देख सकते हैं, आपको थोड़ा करीब से दिखाती हूँ कि पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इसी तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। अगर आप इसको थोड़ा और गाढ़ा पसंद करें थोड़ी देर और पका सकते हैं, अदरवाइज ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इस स्टेज पे मैं गैस को कर दूंगी बंद। अब मैंने इसको सर्व करने के लिए एक बाउल लिया है, उसमें मैं हमारा सूप निकाल रही हूँ। अब देख सकते हैं काफ़ी सारा सूप बन के रेडी हो गया है। 2 से 3 लोग इसको बड़े आराम से खा सकते हैं। इसके ऊपर मैं डाल दूंगी क्रीम, थोड़ा सा जीरा पाउडर मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। इसको गार्निश करूंगी धनिया की एक पत्ती के साथ। लग रहा है ना कितना अच्छा? अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।